Bina Pens have a legacy of 5 decades. Started by Mr. Satram Das Motwani in 1965, Bina Pens are known for the design simplicity. Now the brand is managed by Mr. Satram Das's grandson, Mr. Nikhil Motwani. I got an opportunity to chat with him directly to learn more about the brand and especially the pen that we are going to unbox today. Hi, this is Unbox Anything. Let's get unboxing. So today we have got a really special and a very beautiful fountain pen for you. And this is Bina Magic. As the name suggests, we have something magical to show you when you're going to open this pen. Chaliye dekhte hain is pen ko open karke ki isme aisa kya magical hai. Oops, is pen ki nib kahan hai? Kya main lagana bhul gaya? Nahi. इस पेन के पीछे एक रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म है जिसके कारण आप उसको यूज़ करके निप को अंदर बाहर कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर ये कितना इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ सेफगार्डिंग द निप, बट एब्सोल्युटली इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल फाउंटेन पेन फॉर श्योर. बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द डिटेलिंग ऑफ हाउ दिस पेन राइट्स, लेट अस ऑल्सो लुक एट the key specifications of this pen. If I have to talk about the nib, it is German tipped point, and as you can see it says iridium point written on the nib. The barrel is plastic polymer, bilkul sturdy feel karta hai, kafi solid hai, and when you hold this pen aapko ek acche expensive पेन की फीलिंग आती है. नाउ यू ऑल्सो हैव द इंक फिलिंग मैकेनिज्म जो कि कार्ट्रिज ओनली है, एंड दस समथिंग फनी दैट हैपेंड विथ मी. मुझे लगा कि ये पेन इतना सस्ता है, मैं प्राइस के बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो इसमें कार्ट्रिज तो होगा नहीं. एंड आई स्टार्टेड फिलिंग दिस पेन विथ इंक और मैंने देखा कि इंक तो सारी लीक होने लगी है, एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज कार्ट्रिज ओनली पेन. And then this pen was all right. जब मैंने इसमें कार्ट्रिज फिल कर दी थी, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा. इसमें आपको दो टाइप के नेब ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट वन जो कि है फाइन और दूसरा वन है मीडियम. तो जो पेन मैं आपके लिए लाया हूँ जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे वो मीडियम पॉइंट निब है इसका, एंड इट इज़ वेरी स्मूथ. आई एम श्योर कि फाइन नेब जिन लोगों को पसंद है उनको फाइन निप का बिना मैजिक ऑप्शन भी बहुत पसंद आएगा. अब इसका जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 170 टू 200 रुपीस का है, एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है. आई गॉट इट फॉर 180 रुपीस, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा एंड कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं. बट सर्टनली डू लुक फॉर अ लोकल स्टेशनरी शॉप नियर यू, शायद आपको वहाँ पर और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए, बिकॉज जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वहाँ पे मैंने शिपिंग चार्जेस भी दिए थे. आई विल ऑल्सो शेयर द नंबर ऑफ बिना पेन अगर आपको बल्क में ऑर्डर करना है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए या किसी इवेंट पे गिफ्ट करने के लिए. सर्टनली आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, दे मे गिव यू यू नो होल सेल प्राइस. नाउ लेट अस सी हाउ does the pen write. I will use a very common phrase जो काफ़ी दूसरे यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं जब वो लोग पेन की राइटिंग चेक करना चाहते हैं. The quick brown fox jumps over the lazy dog. बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है. मीडियम टिप इज वेरी गुड. इतने सालों बाद मैं फाउंटेन पेन यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड. Now let us also draw continuous pattern to see if the writing is consistent. Very nice. मुझे कहीं पे भी writing में difference या ऐसा observe नहीं हुआ कि ink flow stop हुआ था. Let us also draw lines and see if we see any difference or any problem in the lines while using the fountain pen.
Now here also the lines were consistent, and as you can see ink flow stop nahi hua tha. Tino lines bilkul ek jaisi lag rahi hai, kahin pe bhi aisa nahi hai koi thodi moti hai koi thodi patli hai. So that way I believe it is really good experience, and I'm fully satisfied with Bina Magic. Now I would like to share my final verdict. मुझे ये पेन बहुत ही पसंद आया. रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म के साथ आता है, कार्ट्रिज मैकेनिज्म है इसमें, तो इंक के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैनेज करने में. एंड बहुत ही सॉलिड बिल्ड है इस पेन की, विच गिव्स दिस पेन रियली सॉलिड फील जब आप इसको होल्ड करते हैं. एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो इसके कैप के बारे में है. इसका जो कैप है वो ब्रास का है, and the cap also feels pretty solid. If I have to give a couple of feedbacks, being a product manager, मुझे बहुत अच्छा लगता है products को analyze करना, products की details पता करना, and अगर कुछ improve हो सकता है तो वो share करना. मुझे लगता है कि इस pen में दो इसकी packaging बहुत अच्छी थी, पकड़े उसी की package के साथ इन्होंने cartridge उसी में रख दी होती. इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन दी बैरल, तो शायद मैंने इसको इंक से नहीं भरा होता और जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी इंक लीकेज की वो नहीं होती. एक दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा इस पेन को अडॉप्शन में, वो ये है कि अगर वी कैन हैव मोर कलर्स एडेड टू दी बॉडी ऑफ द पेन. करंटली आई बिलीव दैट दिस कम्स विद ओनली 3-4 traditional colors, but agar we can get some latest in fashion colors, ho gaya aapka aquamarine, ho gaya orange, ho gaya purple, ho gaya, right? So there will be people jinko ye kafi appeal karega, and they would definitely want to have this pen as their primary writing instrument. In fact agar ye aquamarine mein hota to mujhe bahut pasand aaya hota kyunki mera favorite color hai. So that's it from my side about this pen. मुझे 180 रुपीज़ में बीना मैजिक एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज लगा, एंड अगर आप भी इसको लेना चाहें तो यू कैन गो टू द लिंक एंड बाय इट फ्रॉम देयर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर कॉन्टेंट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू get the latest information on the content that I will be producing in future as well. Thank you so much for watching this video. I really appreciate your time.